हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। तो देखिए, ये है जो इसके पहले वाला ब्लॉग गया था, ये उसका सेकेंड भाग है और ये नाला सुपारा का ही है। तो सुबह हम लोग ने उठे, चाय नाश्ता किए थे, फिर बच्चे सोए थे। यहाँ पे आके मेरे बच्चे बड़े ही आलसी हो जाते हैं क्योंकि रात भर जागते हैं और बातें बातें करते हैं बच्चों के साथ में। ना इनके बच्चों को नींद आती है, ना मेरे बच्चे को नींद आती है। आपस में इन लोग खेलते कूदते रहते हैं, रात में लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो अभी इन लोग ने उठे, इन लोग का कोई चाय नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो डायरेक्ट मैंने इन लोग को खाना दे दी हूँ अपनी भाभी से बोल करके कि इन लोगों को खाना दे दो। तो ये खा रहे हैं यहाँ पर तमीज़ से, अच्छे से बैठ के। इसके बाद हम चले गए थे स्कूल में, मेरी भतीजी लोग का एडमिशन कराना था। तो भाभी मेरी बोली कि अकेले क्या करोगे, रह के चलो मेरे साथ में ही स्कूल देख लेना। तो हम आ गए हैं, तो बस घर से बस 10 मिनट की दूरी पे है स्कूल। और जो मेरी चाची हैं उनकी बहू है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो उनके ही स्कूल में एडमिशन हो रहा है। तो अभी ये नया ओपन हुआ है शायद, मतलब एक साल हो चुका है इसको ओपन हो के। तो ये साल डालने आई है नाम, और अभी तक कुछ डिसाइड नहीं था क्योंकि मेरे अब्बू थे तो बीमार रहते थे ज़्यादा, तो मेरी भाभी को टाइम नहीं मिल पाता था। और मेरा जो भतीजा है वही मेरे अब्बू की मतलब सेवा भी करता था, उनको लेके आना जाना, खिलाना पिलाना ज़्यादातर वही करता था। मेरी भाभी थोड़ा मोड़ा करती थी खाना पानी जो भी होता है। तीन तीन बच्चे को देखना कोई मामूली बात नहीं होती है, अकेले रहना, तो सब मैनेज करती थी वो अपने साथ ही। तो इसलिए बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाई, सिर्फ ट्यूशन भेजती थी और अरबी भी भेजा करती थी। तो मेरे अब्बू तो नहीं रहे अब, वो दिसंबर में ही उनका इंतकाल हो चुका है, पैरालाइज हो गए थे वो। तो अब मतलब फ्री हो गई हैं एकदम, अब कोई नहीं है ज़्यादा, उतना काम भी नहीं रहता है। बड़े बूढ़े घर में रहते हैं तो कुछ अलग ही माहौल रहता है घर का, अब अकेले हैं। तो मेरे भाई भी दिन भर घर पे नहीं रहते, उनका पानी का काम है, ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। तो इनका एडमिशन यहाँ पे हो रहा है, तो एडमिशन हो चुका है। तो हम जा रहे हैं ऊपर देखने के लिए, रूम वगैरह जो भी है देख लेते हैं, उसके बाद देखने के बाद फिर हम जाएंगे घर अपने। और यहाँ पे मतलब एकदम रोड पे ही है स्कूल, तो मतलब काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए, ठीक है। और ये देखिए बाहर का ये नज़ारा है, बाहर ऐसा कुछ यहाँ का है बच्चों की एक्टिविटी के लिए, कुछ मतलब खेल वगैरह है या बच्चों को सिखाना हो तो यहाँ पे एकदम मेन रोड पे ही है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ये अच्छा ये है कि बच्चे मतलब खुद से भी अकेले चले आएंगे क्योंकि रोड क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो ये एकदम हाईवे है, हाईवे से मतलब थोड़ी दिक्कत होती रहती है बच्चों लोग को, पर ये एकदम हाईवे है और रोड क्रॉस नहीं करना है। इसलिए मेरी भाभी रिलैक्स है एकदम कि अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो मेरे बच्चे आ सकते हैं अकेले, दोनों भाई बहन अपना चले आएँगे। तो यहाँ पे सबका एडमिशन हो चुका है, तो हम जा रहे हैं घर। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या ही बताऊँ मैं। और बस मैं एक दिन के लिए ही आई थी, पर एक रात और रुक गई हूँ मैं क्योंकि मेरे भाई बोले कि अभी मत जाओ, एक दिन और रह जाओ, एक तो आती नहीं है कभी और आए भी है तो फिर एक दिन के लिए जाने के लिए बोल रही है, इसलिए फिर मैं रुक गई, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की हूँ मैंने। और मुझे थोड़ा सा कुछ काम भी था, उस काम से आई थी मैं, तो काम भी अभी हुआ नहीं था, तो काम हो जाएगा फिर मैं कल जाऊँगी। तो एडमिशन हो गया है, बच्चों को बैग मिल गया है, ड्रेस मिल गया है, बच्चे तमाम एकदम खुश हो चुके हैं कि मतलब देखिए बैग टांग के जा रही है बड़े खुशी खुशी। और ये इतनी ढीठ लड़की है ना, मतलब ये बहुत ही घर में तो बहुत तेज़ तेज़ बोलती है, पर वहाँ पे जब इंटरव्यू लेना हुआ, वहाँ पे जब इनसे पूछा गया, सवाल जवाब किए गए, तो इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो ये मतलब ऐसी ही है, मतलब मैं भी बात करती हूँ या कोई भी बात करता है तो उतना ज़्यादा ये किसी के साथ बोलती नहीं है, ना इसकी आवाज़ निकलती है। और अकेले रहेगी, बच्चों के साथ में खेलती, अपनी मम्मी के साथ में खेलती घर के अंदर, तो इसकी आवाज़ ऐसी तेज़ है कि मतलब चिल्लाएगी यहाँ तो फिर 10 किलोमीटर दूरी तक का सुनाई दे देगा सबको। और देखिए मेरी मुमानी का घर है, ये बन रहा है, मेरी मुमानी यहाँ नहीं रहती हैं, पवई रहती हैं, तो उनका घर ये बन रहा है। थोड़ा सा मैं बाहर से देख रही थी, मैं देखी नहीं थी अभी तक का, बस फ़ोन में सुनी थी अपनी मामी से कि मतलब घर बनवा रही हूँ मैं, तो ये उनका बन रहा है। तो पहले बहुत नीचा था तो अभी ऊँचा करा के बन रहा है। तो चाल में का घर ऐसे ही होता है, पहले नीचा बना हुआ था तो पानी वगैरह आ जाता है। और ये भी देखिए, ये भी घर बन रहा है सामने वाला, ये भी दूसरे किसी का था तो उन्होंने बेच दिया है, जो लिए हैं वो बनवा रहे हैं फैमिली वाले हैं। तो बारिश से पहले तैयार करना है ताकि बारिश में दिक्कत ना हो। और ये भी देखिए, हम लोग आ गए अपने घर में, आते साथ ही मैंने फटाक से पहले बुरखा निकाल दी हूँ और बहुत गर्मी लग रही, देखिए मेरा चेहरा देखिए एकदम लाल लाल हो चुका है। और फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा बैठे, आराम किए, थोड़ा सा सोई थी मैं, मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा था एकदम कि जैसे कितनी थकावट हो गई है, सारी थकावट आज ही मतलब आ रही है मेरे ऊपर, ऐसा मुझे लग रहा था। पता नहीं कि मुझे जब मैं जाती हूँ वहाँ पे तो मैं एकदम आलसीपना हो जाता है मेरे अंदर कि, और यहाँ रहो अपने घर पे तो फिर फटाफट काम वगैरह करो तो कुछ पता भी नहीं चलता है। तो ये देखिए मैं आ गई अपनी चाची के यहाँ, यहाँ मेरी दावत है आज क्योंकि मैं कल जाने वाली हूँ, तो आज मेरी यहाँ पे दावत है।
तो ये मैं बाहर से ऊपर से दिखा रही हूँ आप सबको। तो ये जो सामने सब दिख रहे हैं, जो यहाँ पे शूटिंग के जो काम होते हैं, दरवाजे वगैरह जो गिरते टूटते उड़ते हैं, वो सब यहाँ पे बन के जाता है यहाँ से। और ये है इनकी बालकनी। और ये देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत खूबसूरत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ऊपर से नीचे कुछ ऐसा दिखता है एकदम भंगार की तरह, पर भंगार नहीं है, सारे ऐसी है ही है वहाँ पे, क्योंकि लकड़ी का और जो काम है उनका तो सब फैला हुआ है। और ये खुली जगह है इसलिए यहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, कम पैसे में अच्छा हो जाता है उनके लिए। और देखिए इनका घर काफ़ी बड़ा सा है, और ये हॉल है, यहाँ पर बैठे हैं हम सब, थोड़ा गपशप कर रहे थे। और खाने में बना है बिरयानी, तो आंटी ने खुद बनाई है, अपने हाथों से बिरयानी बनाई है। तो अभी उनका काम अंदर चल ही रहा है, थोड़ा मोड़ा रह गया है कसर, अकेले बेचारी परेशान हो जा रही है, क्योंकि उनकी बहू के भी मतलब बैक पेन हो रहा है, तो भी थोड़ा रेस्ट कर रही है। और छोटा बच्चा भी देखिए इसको कर, ये बहुत परेशान करती है, इसको देखना पड़ता है, इसलिए अपने मुझे काम करना, बच्चों को बैठा दूँ खिलाने के लिए। तो मेरा आज़ाद खा रहा है, और असद भी आ गया है साथ में खाने के लिए, दोनों एक साथ ही रहते हैं यहाँ पर, जब आ जाती हूँ तो दोनों एक दूसरे का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और ये बैठी है मनहा, भतीजी है मेरी, देखिए स्कार्फ लगाई है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। बच्चे कितने प्यारे दिखते हैं, कुछ नए लिबास में, कुछ नया उनको ट्राई करो तो कितना अच्छा लगता है। और बस पता नहीं कैसे दो दिन ख़त्म हो गए, इतने जल्दी से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर घर रहो तो घर पे वही झाड़ू पोछा खाना बनाना कपड़ा यही सब रहता है, यहाँ पे आके बस घूमना खाना है, बस इसमें ही दिन कट गया, पता नहीं चला दो दिन कैसे बीत गए। अब कल जाना है, जाने का दिल नहीं कर रहा है, पर जाना तो पड़ेगा ही अपने घर। फिर खाना वाना खा के वहाँ से मैं आई थी, रात में 11:30 बज गया था, उसके बाद सुबह उठ गई हूँ, नाश्ता किया, हम लोग ने बच्चे अभी सोए हैं, तो बच्चों को मैंने नहीं जगाई हूँ, क्योंकि अगर मैं भी जगा दूँगी तो वो फिर खेल लेंगे कूदेंगे, फिर कपड़े गंदे वगैरह कर लेंगे, इसलिए फिर मैं नहीं जगाई हूँ, बोली एक साथ ही जगाऊँगी मैं जब निकलना होगा उसके आधा घंटा पहले। तो फिर हम लोग अभी निकलने वाले हैं, तो मैंने बच्चों को जगा दी थी, उन लोग को डायरेक्टली उन लोग ने खाना वगैरह खा लिया, खाना खाने के बाद में फिर हम लोगों ने ओला बुक कर लिए, और ये हम लोग आ रहे हैं। मैं ओला से नहीं आना चाहती थी, मुझे घुटन सी होती है गर्मी में, उलझन सी लगती है, और मुझे उल्टी आने लगती है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कैसे भी कंट्रोल करके बैठी हूँ गाड़ी के अंदर। इन लोग जो परफ्यूम वगैरह पता नहीं क्या लगा देते हैं गाड़ी में, उससे बड़ी घुटन सी होने लगती है। मेरा अनुमान सो चुका है, पूरे रास्ते सोया था ये, और आज मेरा बैठा, ये कभी नहीं सोता दिन में, इसको कभी नींद नहीं आती। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे आंधी तूफान वाला नज़ारा हो रहा है, बारिश होने वाली है, काला काला सा हो रहा है। और हम लोग निकले थे, पता है 5 बजे लगभग निकले थे हम लोग, शाम हो गई थी। इसके अब्बू फ़ोन करते बार बार, तो मैंने बोल दी थी कि हाँ मतलब निकल चुकी हूँ, पर मैं निकली नहीं थी। इसके हम लोग काफ़ी देर के बाद निकले हुए थे, क्योंकि आज ही मेरा भाई बोल रहा था कि मत जा और कल चली जाना, और फिर लास्ट में मैं गुस्सा करने लगी हूँ, तो फिर बोला अच्छा रात में चले जाना, 9:30 बजे निकलेगी तो भी आराम से पहुँच जाएगी 12:00 बजे तक का। लेकिन फिर मैं नहीं रुकी, मैं बोली जाना तो है ही, फिर अभी चल जाते हम लोग। फिर छोटा वाला भाई मेरे साथ आने वाला था, तो ये भी मतलब बोलने लगा कि साथ में चलते हैं, अभी क्या फ़ायदा रात में ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग सब चले आए हैं, उसको बिना बताए ही चले आए थे हम लोग ने। और ये है बाहर का, थोड़ा थोड़ा समय शूट कर रही हूँ, और मुझे गाड़ी के अंदर कुछ अजीब सा उलझन सा लग रहा था, इसलिए मैं अपने आप को ध्यान यहाँ वहाँ भटका रही थी कि मतलब मुझे एकदम से इस पे दिमाग पे ना जाने, तो मेरा सर चकरा रहा है एकदम, मुझे उल्टी ऐसा लग रहा था, अजीब सा मन क्या कहते हैं अंदर से लग रहा था कि अभी मुझे उल्टी हो जाएगी, पर हुआ नहीं, कंट्रोल कर ली थी मैंने। तो हम लोग रात को पहुंच गए थे, लगभग 9:30 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे। तो बाहर से मेरे हस्बैंड ने खाना मंगा दिए थे हम लोग के लिए, बाहर से खाना आया था। और देखिए सुबह का नाश्ता भी मैंने बाहर से मंगाई हूँ, मिसल पाव आया है और डोसा आया था, तो ये हम लोग का नाश्ता है। तो हिम्मत ही नहीं होती कहीं से आओ ना, तो फिर एकदम थकावट सी लगती है, अजीब सा लगता है, कुछ करने का दिल नहीं करता है। तो सुबह सुबह सिर्फ मैंने चाय बनाई थी, और ये बाहर से नाश्ता लेकर चले आए थे, तो हमने नाश्ता किए। इसके बाद मुझे घर का हालत देख के दिमाग ख़राब हो रहा, ढेर सारे कपड़े धुलने थे, तो सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी हूँ नाश्ता करने के बाद में, क्योंकि पानी भी 10-11 बजे तक ही रहेगा, सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी ताकि कपड़ा धुल जाए फटाफट, 2-3 ट्रिप मुझे कपड़ा धुलना है। और कपड़ा धुलने के बाद यहाँ पे मैंने खाना भी चढ़ा दी, क्योंकि कपड़े धुल जाएंगे खाना बन जाएगा, उसके बाद ही मैं कोई और काम कर पाऊँगी। और ऐसा लग रहा है कि बस मैं अब सोई रहूँ, कहीं से आने के बाद मुझे बहुत थकावट होती है, बहुत अजीब सा लगता है, एकदम आलसपना आ जाता है, क्योंकि 2 दिन वहाँ पर आराम करके आई हूँ। पर कोई नहीं, सब हो जाता है, काम मिलजुल के आराम से सारे काम हो जाते हैं मेरे। और ये बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, तो
कपड़े भी धुल चुकी हूँ मैं, कपड़े रस्सी पे डाल चुकी हूँ मैंने, और बस खाली मुझे झाड़ू पोछा करना है, उसके बाद नहाना है। तो ये था मेरा नाला सफारा का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।